सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैटिकोमेटिक। तो आज हम इस वीडियो में GI इन ऑक्टाहेड्रल के बारे में बात करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में GI इन स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल के बारे में बात कर चुके हैं, और ऐसी मैं ट्रिक आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी ऑक्टाहेड्रल के लिए बताने वाला हूं। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टारगेट हमने रखा हुआ है 20 लाइक्स का, और अगर आप चाहते कि ऐसी ट्रिक्स आपको मिले, आपके साथ वालों को मिले, तो आप शेयर भी कीजिए इस वीडियो को। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में GI इन स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल के बारे में बात कर चुके हैं। तो इस वीडियो में GI इन ऑक्टाहेड्रल यानी कि GI इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये भी बहुत इजी है, बस आपको कुछ नंबर याद करने हैं और कुछ टाइप्स याद करने हैं। मैं पहले बता चुका हूँ, M रिप्रेजेंट्स मेटल, ये मोनोडेंटेड लिगेंड के लिए है बस इसमें, और जो स्मॉल कैपिटल लेटर्स है रिप्रेजेंट लिगेंड्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। तो हम डिफरेंट टाइप के, पहले आप लिख लीजिए कितने टाइप के ऑक्टाहेड्रल बन सकते हैं। MA6, फिर उसके बाद मैं आपको एक नंबर बताऊंगा, बस वो आपको याद करना है। तो आप सीधे बता सकते हैं कि इस टाइप के उसमें जैसे PTCL6 इसमें कितने GI पूछेंगे, तो तुम सीधे सीधे 0 बोलोगे। मैं बता दूँ क्यों। MA6 लिखो, MA5B, फिर उसके बाद MA4B2, फिर MA4BC, मतलब एक एक लेटर बढ़ाते जाओ, समझ रहे हो ना, वो कॉमन कम करने और फिर बढ़ाते जाने, फिर MA3B3, जितने भी पॉसिबिलिटीज़ है कि 6 नंबर में जितने भी लिगेंड कैसे अरेंज हो सकते हैं, वो ये पॉसिबिलिटी है कि चारों सेम हो, 5 सेम हो, 1 अलग हो, 4 सेम हो, 2 वो वाले सेम हो, समझ रहे हो, इस टाइप से MA3B3, फिर उसके बाद MA3B2C, फिर MA3BCD, फिर MA2B2C2, ठीक है, फिर MA2B2CD, फिर MA2BCDE, फिर लास्ट MABCDEF। ये लास्ट वाला ऑर्गेनिक में भी पूछते हैं इसका, मेरे को याद है हेलो अल्किन्स में क्वेश्चन आया था इसका प्रीवियस ईयर में, कि इसमें कितने GI होंगे। इसका क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कंपाउंड से निकलेगा GI। अब एक नंबर बता रहा हूँ आपको, 00222345695, बस हो गई वीडियो खत्म, बस यही वीडियो है। इसमें यही है कि इतने टाइप के ये GI है, GI इन ऑक्टाहेड्रल नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, जिसमें M रिप्रेजेंट मेटल और ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। ये डिफरेंट टाइप्स है कैसे अरेंज हो सकते हैं मेटल के अराउंड, कोऑर्डिनेशन एंटिटी बनाते हैं। और अगर MA6 टाइप का है तो 0, ऐसे है PTCL6 0, PTCL5 BR तो भी 0, फिर MA4B2 तो पूछ सकते हैं कि कौन सा GI दिखाता है, नहीं दिखाता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे, नंबर याद करना है 00222345695, बस। और फिर आप ये भी लिख रहे हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि लास्ट वाले में GI इज 15, OI इज 30। OI आप पूछेंगे क्यों, मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, उसकी भी ट्रिक बताऊंगा। तो आप अभी के लिए बस इतना याद कीजिए कि, और एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो पूछी जाती है, ये ME3B3 में सिस ट्रांस नॉट डिफाइंड, ठीक है, और ME3B3 तक नो OI होते हैं, फिर ME3B2C से लेके एंड तक OI प्रेजेंट, ये भी बात याद रखिए इसके साथ में एडिशनल। मैं वीडियो बनाऊंगा लेकिन इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, क्या मैंने एडिशनल चीज़ बताई, लास्ट वाले में 30 OI होते हैं, ME3B3 वाले जो टाइप होता है उसमें सिस ट्रांस नॉट डिफाइन होते हैं, और ME3B2C से OI प्रेजेंट होते हैं। उससे पहले अगर पूछे जाए ME3B3 तक, तो आप बोलोगे इसमें OI नहीं होते, खाली GI होते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट गाइज, इतना ही था इस वीडियो में। इफ़ यू लाइक माई ट्रिक्स ऑक्टाहेड्रल में GI के बारे में, तो मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैंने बोल चुका हूँ टारगेट है, आप सपोर्ट कीजिए चैनल को, जैसे ज़्यादा पहुँचाइए। तो मैं OI की भी ट्रिक लेके आऊँगा, स्क्वायर प्लेनर टेट्राहेड्रल GI में, फिर और भी इनऑर्गेनिक की ट्रिक्स, फिजिक्स की ट्रिक्स, बायोलॉजी की ट्रिक्स सब आने वाली है इस चैनल में। तो आप मेक श्योर यू लाइक, हेट एंड सब्सक्राइब, और जितनी भी स्ट्रैटेजीज है सब आने वाला है। तो दैट्स इट गाइज, गॉड ब्लेस।